अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेसोडर्म की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो मेसोडर्म की लेयर बनती है उससे फिर फर्दर कौन कौन सी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टोडर्म की एम्ब्रियोलॉजी को देखा था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि एक्टोडर्म से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, स्किन बनती है, मेलानोसाइट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी की थी। इस वीडियो के अंदर हम मेसोडर्म को और से देखेंगे, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज बना लेते हैं ताकि हमें इस मेसोडर्म से बनने वाली स्ट्रक्चर्स की समझ आ सके। सबसे पहले हमें पता है फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर क्लीवेज के प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले जाइगोट में एक वर्टिकल क्लीवेज लगता है। जाइगोट से दो सेल्स बन जाते हैं जिसे टू सेल स्टेज कहा जाता है। फिर टू सेल स्टेज फोर सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दोबारा से क्लीवेज लगेगा, दो सेल्स चार में डिवाइड हो जाएंगे, चार सेल्स फिर आगे आठ में डिवाइड हो जाएंगे, आठ सेल्स 16 में डिवाइड हो जाएंगे। 16 सेल स्टेज को मोरूला स्टेज भी कहा जाता है। सो इन सब प्रोसेसेस में बेसिकली क्लीवेज हुआ है, यानी हुआ क्या है कि स्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं हुई, साइज नहीं बढ़ा, जस्ट सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज हुई है। फिर 16 सेल से जब 32 सेल्स 64 सेल्स बनते हैं, तो इसी दौरान सेल्स अपनी अरेंजमेंट भी चेंज करते हैं, यानी कुछ सेल्स बाउंड्री पर चले जाते हैं, कुछ सेल्स अंदर एक साइड पर चले जाते हैं। सो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। सो इस स्ट्रक्चर के बनने के प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट को जब हम गौर से देखते हैं तो बाहर बाउंड्री में जो सेल्स मौजूद हैं इन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, जो फर्दर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेंगे, और अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। ओके, अब हमारा फोकस होगा ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर। ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो दो लेयर्स बनी हैं इनमें ऊपर वाली लेयर को एपिब्लास्ट कहा जाता है, नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। सो इन दो लेयर्स को बाइलेमिनर डिस्क भी कहा जाता है। हाइपोब्लास्ट के नीचे जो कैविटी है इसे योक सैक कहा जाता है। एपिब्लास्ट के ऊपर की कैविटी को एमनियोटिक सैक कहा जाता है। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, और क्विकली मैं तब बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से स्टडी की हुई हैं। सो बाइलेमिनर डिस्क बनी हुई है। अब ये जो बाइलेमिनर डिस्क है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटू ट्राइलेमिनर डिस्क, यानी दो लेयर्स तीन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहा जाएगा। यानी एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के दरमियान एक और लेयर बन जाएगी, तीन लेयर्स बन जाएंगे। सो इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहा जाएगा, वेयर टू सेल्स टू लेयर्स ऑफ सेल्स कन्वर्टेड इनटू थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, तीन लेयर्स बन जाएंगे। ओके, अब ये जो तीन लेयर्स बनी है इन्हें फिर फर्दर डिफरेंट नाम दिया जाता है। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जगह इन्हें नाम दिया जाता है, सबसे ऊपर वाली लेयर को एक्टोडर्म, सबसे नीचे वाली लेयर को एंडोडर्म, और इसके दरमियान जो लेयर बनी थी उसे मेसोडर्म, और साथ में मेसोडर्म के अंदर एक ट्यूब सी भी बनती है जिसे नोटोकार्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब उस स्ट्रक्चर को मजीद जूम इन करके यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाली लेयर आ गई एक्टोडर्म, नीचे वाली लेयर आ गई मेसोडर्म, सेंटर में रेड कलर में आपको लेयर नजर आ रही है इसे, सॉरी नीचे वाली लेयर आ गई एंडोडर्म, सेंटर में रेड कलर में जो लेयर आपको नजर आ रही है इसे मेसोडर्म कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये ब्लैक कलर में एक ट्यूब होती है इसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है, ये एक और ट्यूब है जो वहाँ पर भी मैंने ड्रा कर रखी है इसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। सो हमारा फोकस होगा यहाँ पर मेसोडर्म की तरफ, ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। मेसोडर्म को जब हम देखते हैं तो इसमें फर्दर कुछ सेक्शंस हमें बने हुए नजर आते हैं, यानी कुछ बेढंगी सी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ सेल्स ड्रा नहीं किए। सो इसकी वजह यह है कि मेसोडर्म को फर्दर तीन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन जो सेंटर के पास होता है उसे पार एक्सियल मेसोडर्म कहा जाता है, एक सेक्शन जो बिल्कुल साइड पर मौजूद होता है उसे लेटरल मेसोडर्म कहा जाता है, और इन दोनों के दरमियान वाले मेसोडर्म वाले रीजन को इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहा जाता है। यानी मेसोडर्म को फर्दर तीन सेक्शंस में देखा जाता है इसी व्यू के अंदर। जो सेंटर में मौजूद है यानी नोटोकॉर्ड ट्यूब के साथ लाइन है उसे पार एक्सियल मेसोडर्म कहा जाता है, फिर सबसे साइड वाले रीजन को लेटरल मेसोडर्म कहा जाता है, और सेंटर में जो मौजूद है उसे इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहा जाता है। ये इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि हमें इनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन्हें समझने में कन्वीनियंस हो। लेटरल मेसोडर्म को फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये दो लेयर्स में कन्वर्ट हुई होती है, जिसमें ऊपर वाली लेयर को सोमैटिक लेयर कहा जाता है, नीचे वाली लेयर को स्प्लैंकनिक लेयर कहा जाता है। ओके, अब हम बारी बारी हर एक सेक्शन को देखते हैं और देखते हैं हर एक सेक्शन से किस किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही होती है। ओके, हम पार एक्सियल मेसोडर्म को सबसे पहले स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर अगेन से मैंने वही डायग्राम बना रखी है, ऊपर वाला रीजन आ गया एक्टोडर्म, सबसे नीचे वाला रीजन आ गया एंडोडर्म। सो यहाँ पर लेट्स से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, ये आ गया हमारे पास एक्टोडर्म,
और ये नीचे वाला आ गया एंडोडर्म, एंडोडर्म, और ये सेंटर में आ गया मेसोडर्म। अब मेसोडर्म का स्पेशल ये जो सेंटर वाला रीजन है उसे ही मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, जिसमें ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, पार एक्सियल मेसोडर्म। अगर हम इस रीजन को मजीद गौर से देखें तो इसके फर्दर तीन सेक्शन होते हैं, यानी ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर को डर्माटोम कहा जाता है, सेंटर वाली लेयर को मायोटोम कहा जाता है, सबसे नीचे वाली लेयर को स्क्लेरोटोम कहा जाता है। यानी कि पार एक्सियल मेसोडर्म के अगर हम इसी व्यू में देखें तो फर्दर तीन सेक्शंस हुए होते हैं, तीन लेयर्स बनी होती हैं। ऊपर वाली लेयर को डर्माटोम, सेंटर वाली लेयर को मायोटोम, सबसे नीचे वाली लेयर को स्क्लेरोटोम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हर एक लेयर किस किस चीज़ की सिंथेसिस करवा रही होती है। सो सबसे ऊपर वाली लेयर जैसे डर्माटोम कहा जाता है, उसे आपने याद रखना है कि उससे डर्मिस की सिंथेसिस होती है। डर्मिस क्या होता है, स्किन की एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर को कहा जाता है। सो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो एक्टोडर्म से बन रही होती है, बट उससे नीचे जो लेयर है जैसे डर्मिस कहा जाता है वो किससे बन रही होती है, डर्माटोम यानी कि मेसोडर्म से बन रही है, बेसिकली आपने याद रखना है। सो डर्मिस लेयर प्लस उसके साथ जो सबकुटेनियस लेयर होती है, यानी डर्मिस से नीचे जैसे हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, वो सेकंड नाम उसे सबकुटेनियस टिश्यू या सबकुटेनियस लेयर दिया जाता है, वो भी किससे बन रही होती है, डर्माटोम यानी मेसोडर्म से बन रही होती है, पार एक्सियल मेसोडर्म से। ओके, इसके अलावा डर्माटोम स्पाइनल मेनिंजेस की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होती है, यानी कि ये हमारा लेट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड के जो लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वो किससे बन रही हैं, डर्माटोम यानी कि पार एक्सियल मेसोडर्म यानी कि मेसोडर्म से बन रही होती हैं। सो और ब्रेन केयर के जो मेनिंजेस होती हैं वो एक्टोडर्म से बनती हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था। ओके, सो डर्माटोम का हमने स्टडी कर लिया, अब मायोटोम की तरफ चलते हैं। मायो नाम से जाहिर है मसल्स, तो मायोटोम मसल्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, यानी कि स्केलेटल मसल्स। सो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, मेसोडर्म से बन रहे हैं। कौन सी मेसोडर्म से, पार एक्सियल मेसोडर्म से। कौन सी पार एक्सियल मेसोडर्म से, मायोटोम से। क्लियर हो गया। सबसे नीचे वाली लेयर की तरफ आप चलते हैं, जैसे स्क्लेरोटोम कहा जाता है। स्क्लेरोटोम लेयर क्या करती है, आपकी वर्टेब्रल कॉलम बनाती है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसकी सिंथेसिस करती है, जिसमें जितनी भी वर्टेब्रे हैं जो सेक्शंस हैं वर्टेब्रे के वो सारे स्क्लेरोटोम से बनते हैं। वर्टेब्रल डिस्क उन सेक्शंस के दरमियान जो डिस्क रीजन होता है उसे भी स्क्लेरोटोम की स्क्लेरोटोम ही बना रहा होता है, और इसके अलावा जो आपकी रिब्स हैं वो भी स्क्लेरोटोम से बनते हैं। सो आपकी वर्टेब्रल कॉलम कंप्लीट, ठीक है, जिसमें वर्टेब्रल डिस्क प्लस वर्टेब्रे आ जाता है, और जो आपकी रिब्स हैं ये किससे मिलकर बनती हैं, स्क्लेरोटोम से, यानी स्क्लेरोटोम इनकी सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। ओके, यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, यानी ये तो हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है, जब इस ट्यूब को हम बाहर निकाल के देखें या ऊपर से देखने की कोशिश करें तो हमें ये लंबी सी स्ट्रक्चर नजर आएगी, यानी कि ये सेंटर में नोटोकॉर्ड है या न्यूरल ट्यूब है, इसकी साइडों पर पार एक्सियल मेसोडर्म है जो इस तरीके से लंबी सी है, और इसके फर्दर सेक्शंस हुए होते हैं, इन सेक्शंस को सोमाइट्स कहा जाता है, और यही सेक्शन फिर फर्दर वर्टिब्री बनाने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि सेक्शंस होंगे तो वर्टिब्री बनेगी। क्लियर हो गया। ओके, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा लेता हूँ आसानी के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मेसोडर्म में जो पोर्शन एक्सिस यानी सेंटर के पास होता है उसे पार एक्सियल मेसोडर्म कहा जाता है, उसे फिर फर्दर तीन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, डर्माटोम सबसे ऊपर वाली लेयर, मायोटोम सेंटर वाली लेयर, एंड स्क्लेरोटोम जो सबसे नीचे वाली लेयर है। डर्माटोम से डर्मिस प्लस सबकुटेनियस टिश्यूज प्लस मेनिंजेस स्पाइनल मेनिंजेस की सिंथेसिस होती है, मायोटोम से मसल्स की सिंथेसिस होती है, और स्क्लेरोटोम से वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। फिर अगर हम इसे ऊपर वाले रीजन से देखें तो वहां पर कुछ सेक्शंस बने होते हैं जो सोमाइट्स कहलाते हैं, और यही सेक्शन फिर बेसिकली वर्टिब्री बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, पार एक्सियल मेसोडर्म को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया, अब हम इंटरमीडिएट मेसोडर्म की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर सेंटर में मौजूद है ये वाला रीजन। इंटरमीडिएट मेसोडर्म आपकी किडनी बनाने में हेल्पफुल होता है, किडनी के साथ जो यूरेटर होते हैं जिससे यूरिन फ्लो कर रहा होता है वो भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनते हैं। फिर अगर हम मेल के अंदर गोनेड्स को देखें, टेस्टिस होते हैं, फिर एपिडिडाइमस यानी जिसके अंदर स्पर्म जाके स्टोर होता है, फिर वास डिफरेंस जो स्पर्म को लेकर आगे जाती है ट्यूब, ये सारी स्ट्रक्चर्स भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनती हैं। फीमेल के अंदर जो यूटरस होती है, फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये सारी स्ट्रक्चर्स भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से मिलकर बनती हैं। सो हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज़्यादा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, और हमारे जो किडनी होते हैं वो किससे बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। कौन सी मेसोडर्म से बनते हैं, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लेटरल मेसोडर्म को देखते हैं, यानी ये जो साइडों पर मेसोडर्म है जो दो लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है, सोमैटिक लेयर, स्प्लैंकनिक लेयर, इस मेसोडर्म से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर मौजूद है, ग्लैंड होता है जिसके दो पोर्शंस होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं, रीजन होते हैं। ऊपर वाला रीजन जो होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो सेंटर वाला रीजन होता है उसे एड्रिनल मेड्यूला कहा जाता है। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो कहाँ से बनता है, लेटरल मेसोडर्म से बनता है। इसके अलावा जो स्प्लीन हमारा ऑर्गन है वो लेटरल मेसोडर्म से बन रहा है, लिम्फ नोड लेटरल मेसोडर्म से बन रहे हैं, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो नोड्स वगैरह हैं। और फिर स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक यानी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है हमारा, उसके जो स्मूथ मसल्स हैं वो लेटरल मेसोडर्म से बन रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट ब्लड वेसल्स ये सारी स्ट्रक्चर्स मेसोडर्म से बन रही हैं। कौन से मेसोडर्म से, लेटरल मेसोडर्म से। फिर लिम्फॉइड सेल्स या माइलॉइड स्टेम सेल्स यानी जो आगे फर्दर फिर वाइट ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं वो मेसोडर्म से आ रहे हैं, लेटरल मेसोडर्म से। इरिथ्रोइड स्टेम सेल्स यानी जो रेड ब्लड सेल्स फिर आगे बनाएंगे वो भी कहाँ से आ रहे हैं, लेटरल मेसोडर्म से। फिर बोन्स एंड कार्टिलेज जिनसे आपके हाथ और पांव बने होते हैं, जॉइंट जितने भी हैं जिसमें कार्टिलेज है, फिर बोन्स हैं ये सारी मेसोडर्म से मिलकर बनी है। पेराइटल एंड विसरल लेयर्स जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनके इर्द-गिर्द कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं, बाहर वाली लेयर को पेराइटल लेयर कहा जाता है, अंदर वाली लेयर को विसरल लेयर कहा जाता है। ये दोनों लेयर्स भी लेटरल मेसोडर्म से मिलकर बनती हैं। सो ओवरऑल एम्ब्रियो की जो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं ना वो मेसोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। सो होपफुली आपको मेसोडर्म की समझ आई होगी और आपको समझ आ चुकी होगी कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर मेसोडर्म से बन रही होती हैं। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो मेसोडर्म की लेयर होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होती है, और इसके फर्दर कुछ सेक्शंस होते हैं, तीन सेक्शंस मैंने आपको बताए, पैराएक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड लेटरल मेसोडर्म। हर एक मेसोडर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अपना रोल प्ले करती है, जिसमें पैराएक्सियल मेसोडर्म से हमें डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू, स्पाइनल मेनिंजेस, मसल्स, वर्टिब्री, वर्टिब्रल डिस्क, रिब्स की सिंथेसिस होती हुई दिखाई देती है। अगर इंटरमीडिएट मेसोडर्म की बात करें तो किडनी और गोनेड्स आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सारी स्ट्रक्चर्स इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बन रही होती हैं। और फिर लेटरल मेसोडर्म से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स आ जाता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फॉइड माइलॉइड स्टेम सेल्स, एरिथ्रोइड स्टेम सेल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज हैं, और जो पेराइटल और विसरल लेयर्स होती हैं ये सारी स्ट्रक्चर्स लेटरल मेसोडर्म से बन रही होती हैं। सो ओवरऑल मेसोडर्म की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।